उस घटना से पूरे देश में आक्रोश है। वहीं एमपी पुलिस के अधिकारी ने मानवता की जो मिसाल पेश की उसकी लोग सराहना भी कर रहे हैं। एमपी पुलिस के अधिकारी अजय वर्मा ने उज्जैन केस की पीड़िता बच्ची को गोद लेने का ऐलान किया है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि बच्ची की पूरी पढ़ाई लिखाई और उसकी शादी तक का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। अजय वर्मा के बारे में आपको बता दें कि वह उज्जैन में महाकाल पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। वह इस केस की जांच भी कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि जब इस केस की जांच शुरू हुई तो पीड़ित बच्ची की अस्पताल में चीखों और उसकी हालत ने दिल दहला दिया। इसके बाद उन्होंने उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मैं लड़की की शादी, इलाज, शिक्षा और तमाम खर्चों का ख्याल रखूंगा। उनकी इस पहल के लिए कई अन्य लोग भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी जिम्मेदारियां जल्द ही पूरी हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल से बच्ची को छुट्टी मिलने के बाद मैं उसका आगे भी दूसरे अस्पताल में इलाज कराऊंगा। उन्होंने कहा, मैं हमेशा समाज को वैसा ही वापस लौटाने की कोशिश करता हूं जैसा उसने मुझे बनाया है। सुनिए अजय वर्मा की पूरी बात। किस तरह से जिम्मेदारी जी बच्ची की, मैं स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षा और उसके विवाह की बात मैंने उठाई है कि मैं अपने उसमें उसको मदद करूंगा। और मेरे इस छोटे से संकल्प के साथ काफ़ी लोग भी आ गए हैं और मुझे विश्वास है कि काफ़ी अच्छे ढंग से उसकी सारी जिम्मेदारी शीघ्र निर्वहन हो जाएगी। हम शीघ्र ही से अरविंदो हॉस्पिटल में भी, वहाँ से छुट्टी मिलने पर हम उसको वहाँ एडमिट कराएंगे और उसका इलाज भी करवा देंगे। कैसे प्रेरणा मिली, क्या पहले भी मदद करते हैं? प्रेरणा मैंने पूर्व में भी मैंने की है। नागदा की एक सूफिया नाम की महिला है, जो मुस्लिम महिला थी जिसके पति ने उसको छोड़ दिया था, उसके विवाह का भी दायित्व हमने उठाया था। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं अपने तरह समाज को उस तरीके से लौटा सकूं जब जिस तरह समाज ने मुझे बनाया है। ठीक है, आने वाले जो पीढ़ी है या आपके थाने के लोग हैं, किस तरह से आप प्रेरणा उनको देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मदद नहीं की थी? देखिए, पुलिस विभाग में अगर आप कहें तो पुलिस में जितनी संवेदनशीलता बढ़ती है, इन 3-4 दिनों में ना IG साहब सोए हैं, ना SP साहब सोए, ना हमारा स्टाफ, ना कोई सोया है। लगातार ड्यूटी, लगातार कार्य किया है। बच्ची को जो ब्लड भी है वो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने उपलब्ध करवाया, तो संवेदनशीलता हमारे विभाग में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए बड़े सर्कुलर हमारे DG साहब ने जारी किए हैं और बहुत लोगों को सेंसिटाइज किया है इस विभाग में कि वो महिलाओं के अपराधों को लेकर के बहुत संवेदनशील बने। और आप देखिए कि महिला को लेकर के पुलिस विभाग में अति संवेदनशीलता का दौर चल रहा है। वहीं इस मामले में स्थानीय ऑटो चालक भरत सोनी को गिरफ्तार किया गया है। भरत सोनी पर IPC की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की तो उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान उसका एक घुटना चोटिल हो गया। फिलहाल कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक तरफ अजय वर्मा की चारों ओर तारीफ हो रही है, वहीं लोगों की नज़र इस बात पर भी लगी है कि आखिर कोर्ट भरत सोनी को लेकर क्या फैसला करती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन।